फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। आज हम अमृतसर का जो गोबिंदगढ़ फोर्ट है वो देखने के लिए आए हैं। ये ट्रैवल सीरीज़ की नेक्स्ट जो आज का स्पॉट है, ये गोबिंदगढ़ फोर्ट है। तो फोर्ट के बाहर बाहर एक पार्किंग बनी हुई है। ये पार्किंग जो है काफ़ी बड़ी बनी हुई है। इस पार्किंग में हम अपनी गाड़ी, टू व्हीलर, कोई भी चीज़ यहाँ पर लगा सकते हैं। और फिर हम यहाँ से आगे जो टिकट लेंगे टिकट काउंटर से, और फोर्ट के अंदर जाएंगे। चलो चलिए, चलते हैं फोर्ट के अंदर। ये किला गोबिंदगढ़ की जो एंट्री है, एंट्री दरवाजे की तरफ हम जो है वो जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये काफ़ी सुंदर इन्होंने यहाँ पे जो है इसका नवीनीकरण किया हुआ है, और बीच में पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं। और साइडों पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवारों के ऊपर जो है वो छोटी ईंट की जो दीवार है वो बीच बीच में इन्होंने दिखाई हुई है। तो इस किले की तरफ आगे एंट्री गेट देखते हैं। एंट्री गेट से आगे, ये ऊपर बिल्कुल एंट्री गेट से पहले देखिए, दो जो शेर हैं, शेर के दो सिर जो हैं वो वहाँ पे बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं अभी जूम करके आपको दिखाऊंगा। यस, तो काफ़ी पुरानी जो लुक है वो पूरी इन्होंने कायम रखी हुई है यहाँ पे। सामने ये नीचे दो तोप हैं जो दीवार, किले की दीवार के ऊपर, ये सामने बिल्कुल तोप दिखाई दे रही हैं। ये जो पुराने टाइम पे जो लड़ाइयाँ होती थी उस टाइम का हम देख सकते हैं कि कैसे जो तोप्स थी वो फोर्ट के किले के बाहर बाहर जो है वो लगाई जाती थी, कैसे उनको जो है वो वहाँ पे सेटअप किया जाता था दुश्मन को रोकने के लिए। तो ये हमारा जो है वो एंट्री पॉइंट आ गया है किले का। इस एंट्री पॉइंट से हम अब अंदर एंटर करेंगे। और ये सामने एक आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा जो है वो टल लगा हुआ है। ये टल का जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे लिखी हुई है, तीनों लैंग्वेज में लिखी पड़ी है। और टल के ऊपर भी जो है वो लिखा हुआ है, ये इंग्लैंड से बन के जो आया हुआ है टल, ये पुराना ऐतिहासिक है, ये यहाँ पे दिखाया गया। किले के चारों तरफ हम देख सकते हैं कि खाई बनी हुई है। ये खाई जो है वो मोस्टली जो किले की आर्किटेक्चर है उनमें हम देख सकते हैं ये बनती थी खाई ऐसी। ये प्रोटेक्शन के लिए होती थी कि यहाँ से दुश्मन है वो जल्दी से अंदर ना आ सके। कई बार इस खाई को जो पानी से भी भर दिया जाता था दुश्मन का जो अटैक है उसको रोकने के लिए। तो इस वे में जो पुराने किले हैं वो इस टाइप से जो बनाए जाते हैं कि वो बाहर से प्रोटेक्ट कैसे हमने करना है उनको। इससे आगे हम जो है वो अंदर चलते हैं किले के। दरवाजा है किले के अंदर, ये छोटी छोटी इन्होंने मूर्तियाँ जो है वो बनाई हुई हैं, साज बजाते हुए दिखाई हुई हैं, ये हम सामने देख सकते हैं। ये इसकी छत है जो पुराने टाइप की, जो शतील और बाले वगैरह के जो पुरानी छतें हमारी होती थी, पुरानी घरों में भी हम देखते थे वैसी छत है। बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिजर्व किया हुआ है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। ये आर्किटेक्चर जो है टाइलों से बनी हुई छत है ये, और काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। और ये मेन दरवाज़ा है, ये काफ़ी बड़ा दरवाज़ा बना हुआ है इस किले का। अब हम यहाँ से आगे की तरफ एंट्री करेंगे गोबिंदगढ़ फोर्ट में। यहाँ पे ये वॉर सीन जो है दिखा रखा है, काफ़ी बड़ा इन्होंने जो फ्लैक्स बोर्ड के ऊपर ये पूरा महाराजा रणजीत सिंह की जो सवारी जा रही है तो वो सारी इसमें दिखा रखी है। आगे हम इस किले का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। यहाँ पे दो तोप लगाई हुई, बड़ी क्लोज व्यू तोप का, जो पुरानी तोपें थी वो किस टाइप की थी। काफ़ी बड़ा मेटल का जो मटेरियल है, इसके अंदर से जो गोला जहाँ से निकलता था ये हम देख सकते हैं यहाँ से। ये नेक्स्ट एंट्री पॉइंट किले का जो बाहर से हम देख रहे हैं, ये इसका नाम जो है नलुआ गेट है, सरदार हरि सिंह नलुआ के नाम के ऊपर जो है वो इस गेट को जो है वो बनाया गया, उनके नाम दिया गया है। हमें पता है सरदार हरि सिंह नलुआ का इतिहास, जो महाराजा रणजीत सिंह के एक बहुत ही महान जरनैल थे, उनका इतिहास उनके नाम के ऊपर ये जो गेट जो बनाया हुआ है। ये गेट के अंदर की साइड को जो है जो इसके ये जगह बनी हुई है अंदर जो थंब है गेट के उसके अंदर जाके, ये बाहर बाहर आउटसाइड जो अंदरूनी दीवार है उसके आउटसाइड रास्ता है, जो फौज यहाँ पे पहरा वगैरह देने के लिए घोड़ों के ऊपर जो है वो निकलती होगी। तो दोनों तरफ हम देख सकते हैं ये जो अंदरूनी दीवार उसके बाहर बाहर का रास्ता है। ये यहाँ पे फाउंटेन्स बने हुए हैं और एक कुआं है जिसको प्रिजर्व किया हुआ है। और ये हम किले के बिल्कुल अंदर अब जाने की तैयारी है। हम देखते हैं यहाँ पे ये जो पुराना कुआं है इसको प्रिजर्व किया हुआ है,
तो इसको देखते हैं ये कैसे कितना गहरा है। हम इसके आगे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, तो हम इसको देख सकते हैं। ये पुराना कुआँ जो है यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है, और यहाँ पे जो है वो कैदी सेल है, प्रिजन सेल, तो प्रिजन सेल है यहाँ पे, जहाँ पे कैदियों को रखा जाता होगा। हम देख सकते हैं जो कैदी सेल हैं वो इस टाइम की जो जेल है वो जेल कैसी थी। हाँ बिल्कुल पुरानी जेल है ये, उसके अंदर का जो रूम है ये जहाँ पे कैदियों को रखा जाता होगा किले के अंदर। अंदर हम आ गए हैं, तो यहाँ पे जो रास्ता है ये एंट्री गेट यहाँ पे दिखा रखा है। ये देखते हैं यहाँ पे किले के अंदर का व्यू कैसा है। ये महाराजा रणजीत सिंह का जो साइन जो सामने बोर्ड है वो बोर्ड दिखा रखा है। ये छोटी छोटी गाड़ियों के ऊपर जो लोग हैं वो अगर किसी ने आना है तो छोटी गाड़ियों का प्रबंध भी है यहाँ पे, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है। ये जो सामने बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जनरल डायर की रिहाइश थी, और यहीं से वो जब जलियांवाले बाग में उन्होंने अटैक करना था तो इसी बिल्डिंग से निकल के अपने हथियारबंद सिपाहियों के साथ ये जो सामने बिल्डिंग है जो हमारा वेपन गैलरी जिसको बना रखा है आजकल वेपन म्यूज़ियम, इसी में से जनरल डायर जो है वो अटैक करने के लिए जलियांवाला बाग को गए थे और यहीं पर फिर वापस आए थे। तो ये उनकी रिहाइश थी इस फोर्ट के अंदर। और ये एक बहुत बड़ी तोप यहाँ पे जो दिखाई हुई है रखी हुई है, जिसके जो है वो वुडन व्हील हैं, उसको आगे पीछे ले जाने के लिए वुडन व्हील वाली जो तोप है। किले के अंदर काफ़ी सारी बिल्डिंग जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के बाद जब ब्रिटिशर्स का जो है वो यहाँ पे कब्ज़ा होता है पंजाब पे, तो उन्होंने मॉडिफाई की ये बिल्डिंग्स, काफ़ी कुछ बिल्डिंग्स गिराई, उनकी छतें जो हैं वो चेंज की, उनमें वो जो बाले हैं और वो टाइल वाला स्ट्रक्चर जो है वो जोड़ा हुआ उसमें, और ब्रिटिश स्टाइल के जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसको इसमें ऐड किया। ये सामने वाली बिल्डिंग भी उसी का एक नमूना है जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो है वो बनाई थी पुरानी बिल्डिंग को गिरा के। और यहाँ पे कुछ और बिल्डिंग्स भी हैं जो ब्रिटिश स्टाइल की हम देख सकते हैं, इनके दरवाजे और खिड़कियाँ, और ये सारी बिल्डिंग जिनमें ढाबे वगैरह जो ओपन है यहाँ पर, ठीक है, ये सारे जो है वो ब्रिटिश टाइम की जो बनी हुई हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक 70 शो है शेर पंजाब के नाम से, ये बिल्डिंग है शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के नाम की, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि 70 शो यहाँ पे हमें एक देखने को मिलेगा, जो हमारी टिकट थी 200 रुपये वाली उसके बीच में इंक्लूड है ये शो। तो स्पेशल टाइप के गॉगल्स लगा के ये जो जैसे 3D शो हम देखते हैं, तो वो सारा उस टाइप का जो अंदर हिस्ट्री है महाराजा रणजीत सिंह की वो हमें दिखाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं अंदर जा के इस शो को। ये यहाँ पे पंजाब का जो नक्शा दिखाया गया है उसमें जो 5 रिवर्स हमारी सारी जिनके नाम पे पंजाब है, महाराजा रणजीत सिंह का जो पूरा राजभाग था वो सारे इस नक्शे के ऊपर उन्होंने जो दिखाया हुआ है। तो अलग अलग रिवर्स हम देख सकते हैं, सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, ये सारी रिवर्स इस नक्शे में हम देख सकते हैं। और यहाँ पर हम अंदर जाएँगे शो देखना है, यहाँ से एंट्री होगी और उस साइड से लोग कुछ बाहर आ रहे हैं शो देखने के बाद में। अभी हमारा वो अमेजिंग शो जो था 70 शो वो ख़त्म हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह की हिस्ट्री का बहुत अच्छी ये पिक्चर इन्होंने बनाई है, इसका एक्सपीरियंस जो है चेयर भी मूव करती है और बिल्कुल ऐसे इफेक्ट हमें 3D इफेक्ट उसमें मिलता है जंग का। उसके बाद में एक और छोटी सी जो है वो ऐड दिखाते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये जो बिल्डिंग है, अब हम यहाँ से एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ये शो ख़त्म हो गया और आइए बाकी का जो है बिल्डिंग्स देखते हैं किले के अंदर का। एक कुआँ है जिसमें से पानी निकालने वाला जो सिस्टम होता था, ठीक है, ये आयरन व्हील लगा हुआ है, तो व्हील से जो पानी निकलता था, व्हील के ऊपर वो बकेट्स हैं, तो अंदर जाके, ठीक है, पंजाबी में इसको टिंडा वाला खूह भी कहते हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने जो इसको प्रिजर्व किया हुआ है, पानी निकालने का जो सिस्टम है, यहाँ से पुल करते थे, इसको घुमाते थे व्हील को और ये अंदर से पानी पुल करके ऊपर लेके आता था। ये इस साइड पर जो वेपन म्यूज़ियम है, तो तोशाखाना वालों ने हमें बताया कि पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी 30 रुपये की, तो वो वेपन म्यूज़ियम और तोशाखाना दोनों चीज़ें हम देख सकते हैं। तोशाखाना के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था सिक्के हैं पुराने जो उस टाइम के वो देखेंगे, और वेपन म्यूज़ियम में जो पुराने टाइम के हथियार हैं वो देखते हैं यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह के टाइम के, वो सारे अंदर जाके हम देखते हैं। यहाँ पे तोशाखाना है, ये तोशाखाना देखते हैं अंदर जाके, अंदर से इसकी बिल्डिंग देखते हैं तोशाखाना की,
जहाँ पे पुराने टाइम पे जो है वो हीरा जवाहरात जो रखे जाते थे। गोशाखाना के अंदर जी वीडियोग्राफी तो फोटो खिंचना जो मना, इसलिए असं अंदरों सिक्के जो पुराने टाइम के उन्हों का कॉपीज़ रिप्लाइका उत्थे रखा हुआ है। बाकी जो है वो जो ओरिजिनल सिक्के भी हैं वहाँ पे, और कोहेनूर हीरा भी महाराणा रणजीत सिंह ने जो है वो इसी गोशाखाना के अंदर ही कभी जो है रखा था। जो कोहेनूर हीरा अभी इंग्लैंड में ब्रिटिश ले गए थे, जहाँ पे ब्रिटिश क्वीन के जो क्राउन है उसमें जो अभी वो मौजूद है, वो महाराणा रणजीत सिंह ने जब भंगी मिसल के सरदारों से ये किला जीता तो उस टाइम पे उन्होंने जीतने के बाद यहाँ पे इस तोशाखाना में वो जो कोहेनूर हीरा और बाकी के जो उनके चांदी सोना बाकी जो था वो फौजदार लगा रखे थे इसके आसपास, इस उनकी निगरानी में यहाँ पे सारा जो है वो अपना हीरे जवाहरात इस बिल्डिंग में ही रखे गए थे। और बाद में जब ब्रिटिशर्स ने इस बिल्डिंग को महाराणा रणजीत सिंह से 1849 के बाद में कंट्रोल कर लिया इस किले को, तो उन्होंने 4-5 साल के लिए इस किले को बंद कर दिया और किले के अंदर जो है वो रेनोवेशन वर्क उन्होंने करवाया और काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर जो है वो किले के जो है वो चेंज कर दिए उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली, और तब उन्होंने इस तोशाखाना को जो बरूद खाने के रूप में जो है वो बदल दिया, इसके अंदर बरूद रख लिया। तो ब्रिटिशर्स ने इसको बरूद खाना बना दिया था, जो कि महाराणा रणजीत सिंह के टाइम पे जो तोशाखाना का काम ये कर रहा था, ये जो बिल्डिंग थी। इस साइड पे ये कुछ मार्केट है और देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या दिखा रखा है। ये सामने वाली बिल्डिंग में ये यहाँ पे मार्केट है अलग अलग, जिसमें पुराना जो है वो सामान पंजाब की विरासत का जो छोटा छोटा सामान है वो सारा कुछ यहाँ पे जो है वो रखा गया है इस मार्केट के अंदर। ये अलग अलग मार्केट्स बनी हुई हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, कुछ लकड़ी का सामान है या पुराने जो अलग अलग टाइप के जो आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे पड़े हैं उस टाइप का सामान वहाँ यहाँ से मिलता है इस मार्केट के अंदर। ये एक दूसरी मार्केट है यहाँ पे, इसमें अलग अलग बैंगल्स ऑर्नामेंट्स छोटे छोटे सामान जो है यहाँ पे मिलता है इस मार्केट के अंदर। ये पूरी मार्केट उन्होंने बना रखी है, छोटा छोटा सामान कड़े वगैरह हैं इसमें और अलग अलग चीज़ें इसमें जो अवेलेबल हैं।